हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 7 रुपए 90 पैसे की गिरावट देखने को मिली है, और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं, और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 2.5% की गिरावट देखने को मिली है, परंतु 1 महीने में देखें तो 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। 3 महीने में 30%, 6 महीने में 33% और 1 साल के अंदर 65% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, परंतु इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखें तो लगातार स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक अपनी हाई को ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में नीचे की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 600 रुपीज से स्टॉक में नीचे के एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 600 रुपीज की एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 640 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।